हेलो फ्रेंड्स, फूड अराउंड के इस फ्रेश एंड कमाल के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जय धोड़ी, एंड आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे पांच कमाल के फन फूड फैक्ट्स जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। कैरेट यानी कि गाजर विटामिन मिनरल और फाइबर से भरे होते हैं और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा गाजर में बीटा कैरोटीन ज़्यादा होता है। कैरोटीन जो मॉलिक्यूल से गाजर में केसरी रंग और विटामिन ए होता है। ज़्यादा कैरोटीन से खून में कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और इससे व्यक्ति के स्किन का कलर बदलने लगता है, जिसे कैरोटेनेमिया कहते हैं। ज़्यादा प्रमाण में गाजर खाने से कैरोटीन की मात्रा खून में बढ़ जाती है और स्किन का कलर पीला और केसरी होने लगता है। मोस्टली हथेली, घुटने, पाँव के तलिए का रंग बदलने लगता है। सो गाजर खाइए, पर जितनी ज़रूरत है उतने ही खाइए और हेल्दी रहिए। कोफ्ती खाने में गार्लिक यानी कि लहसुन हो तभी उसे खाने में मज़ा आता है और टेस्ट आता है। लेकिन एल्यूफोबा नाम की एक बीमारी होती है। इस बीमारी के चलते जो व्यक्ति को ये बीमारी है उसको गार्लिक यानी कि लहसुन से डर लगने लगता है। एल्यूम ये शब्द लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है गार्लिक यानी कि लहसुन, और फोबिया ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डर। या इन दोनों को मिला दे तो बन जाता है एल्यून फोबिया, मतलब कि लहसुन से डरना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 3 मिनट में सबसे ज़्यादा ग्रेप्स खाने का यानी कि अंगूर खाने का रिकॉर्ड 133 अंगूर है, जो कि मैट हैंड नाम के व्यक्ति ने 2001 में यूके में बनाया था। लेकिन 2015 में मुंबई इंडिया के दिनेश शिवनाथ उपाध्याय ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, खाने की बात आए और इंडिया पीछे हट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 जनवरी 2015 को दिनेश ने 3 मिनट में 205 अंगूर खाके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले रिकॉर्ड सेट करने के बाद 1 महीने के बाद ही ये 4 अंगूर ज़्यादा खा के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2015 में खोजकर्ता इजिप्ट में खोज कर रहे थे और वहां उन्हें खुदाई के दौरान एक कब्र में से 3000 साल पुराना शहद मिला। उसकी अच्छे से जांच करने पर पता चला कि वो 3000 साल से पड़े रहने के बावजूद वो अभी भी खाने लायक था। शहद में पानी का प्रमाण बहुत ही कम होता है और शुगर का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा होता है, और बहुत ही छोटी मात्रा में उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं और वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। इसी वजह से शहद काफ़ी समय तक खराब नहीं होता और लंबे समय तक टिकता है। लास्ट और आखिरी फैक्ट बताने से पहले, अगर आपने फूड अराउंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बाजू में दी गई घंटी को दबाइए और ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको अमेजिंग फैक्ट जानने का मौका मिल सके। तो खाते होंगे अलग अलग तरह के पिज्ज़ा, मार्गरिटा, थिन क्रस्ट, चीज़ ब्रश्ड पिज़्ज़ा, पनीर पिज़्ज़ा और अलग अलग तरह के पिज़्ज़ा। लेकिन आज जो मैं पिज़्ज़ा की बात करने जा रहा हूँ वो पिज़्ज़ा केवल कुछ लोग ही खा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ वो पिज़्ज़ा है लुइस 13, दुनिया का सबसे महंगा पिज़्ज़ा, जिसकी कीमत है मात्र $12,000 यानी कि लगभग 9 लाख रुपये। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज़ें इसमें डालते हैं जो ये दुनिया का सबसे महंगा पिज़्ज़ा बनाते हैं। ये पिज़्ज़ा रेनाटो वियोला नाम के शेफ बनाते हैं और मात्र सिलेक्टेड वर्ग के लोगों के लिए बनाया जाता है। सोच ही सकते हो क्यों। ये पिज़्ज़ा सिर्फ 20 सेंटीमीटर बड़ा है और इसके डो को बनाने में 72 घंटे लग जाते हैं। एक बार डो बन जाए तो स्पेशली सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स ऑन द स्पॉट प्रिपेयर किए जाते हैं। बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, तो सबसे महंगा इंग्रेडिएंट इसमें जाता है वो है केवियर। केवियर जो कि स्पेसिफिक मछली के अंडे होते हैं। इसमें दुनिया के 3 सबसे महंगे और रेयर केवियर डाले जाते हैं, जो कि है ओसिएट्रा रॉयल प्रेस्टीज, कास्पिया ओसिएट्रा रॉयल क्लासिक फ्रॉम ईरानियन कोस्ट, और लास्ट है कास्पिया बेल्यूगा। ये तीनों केवियर बहुत ही एक्सपेंसिव और रेयर है। दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें सबसे महंगा लॉबस्टर जो कि आता है नॉर्वे से वो डालते हैं।
इसमें लगभग 7 प्रकार के चीज़ डालते हैं जिसमें से मोज़रेला कॉमन चीज़ है। तो ऐसे बनता है दुनिया का सबसे महंगा पिज्ज़ा, जो आपको मिलेगा सिर्फ सालेर्नो इटली में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे एट होम, स्टे सेफ।